सर तो सपोर्ट टीम में है ही मैम के साथ में, तो मैम के लिए मैं बोलता हूँ। और सर ने सही बोला था, वो लगते नहीं है कि प्रोफेसर हैं। वो जब योगा के लिए आते थे ना, मैं भी 2-3 महीने ही गया था, आप लोगों को पेट देख के लग रहा होगा ज़्यादा नहीं गया मैं, तो 2-3 महीने में गया तो लगता नहीं था सबको कि ये प्रोफेसर हैं, लेकिन इनके बहुत जगह इधर उधर सेमिनार्स रहते थे तो ये इसलिए छुट्टियाँ ज़्यादा करते थे। सबको लोग लगता था कि ये सोते रहते हैं इसलिए छुट्टियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सच बोल रहे हैं सर। और मैम, प्रिया मैम की तो भगवान ही मालिक है, कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है मुझे नहीं समझ में आता। 3 वीडियो वो स्टूडियो में घुसती हैं तो ख़त्म करके निकलती हैं बाहर, लगातार वीडियो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले ही जा रहा है। एक वीडियो ख़त्म हुआ, कट, वापस से दूसरा शुरू, कट, वापस से तीसरा शुरू। ज़रूरत पड़ेगी शाम को लाइव में भी आ जाएंगे भगवान ही। मैंने कहा मैम नोट्स बनाने, हैंड रिटन देना है बच्चों को, क्योंकि जो ये नोट्स बनाने वाली टीम है अपने, वो इतना फास्ट बना नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे थे क्योंकि इनका परफेक्शन लेवल ही अलग चल रहा है। ये इतना परफेक्ट नोट्स बना रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना परफेक्शन में भी जाएंगे। ये मुझे लगता था मैं ही परफेक्ट कर रहा हूँ काम, मतलब मेरी आदत है कि परफेक्शन में जाने की। इनकी तो नेक्स्ट लेवल चली गई, तो ये दिन के बहुत कम पेजेस लिख पाते थे। मैंने कहा ऐसे नहीं हो पाएगा, बच्चों की बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, टीचर्स ही नोट्स देते हैं, एक बार तो वो अपलोड कर देते हैं, फिर धीरे धीरे हैंड रिटन में कन्वर्ट होते रहेंगे। मैंने मैम को कहा कि मैम ये देने, नेक्स्ट डे पूरा का पूरा चैप्टर मैम ने लिख करके ला दिया सामने, और 3 वीडियोस तो वही धड़ाधड़ रिकॉर्ड हो ही गए, टेंशन वाली बात नहीं। मैंने कहा ये कर क्या रही है, ये घर पे मतलब घर के काम सरी करने लगता है और बच्चे को भी सरी समा तो मतलब ये बहुत कमाल की बात है। मैं अक्सर राहुल सर को तो बोलता ही हूँ कि मैम कहाँ से लाती है एनर्जी यार, अपन नहीं कर पा रहे इतना काम। सर मैम आपको थैंक यू देते हैं। पता नहीं ये कैसे करती हैं, ये कैसे कर पा रही है, ये सारे वीडियोस कमाल के हैं, कोई पेंडेंसी नहीं है मैम के एंड से, कोई पेंडेंसी नहीं है, कोई बच्चों के कंप्लेंट्स नहीं है, कोई डाउट ग्रुप में लैग नहीं है इनकी तरफ से, कोई नोट्स में पीछे नहीं है, कोई टेस्ट पेपर पेंडिंग नहीं है। लाइव में लेना है तो लाइव में कभी डिले नहीं है, हमेशा पहले ही आ जाते हैं ये टाइम से। और अब तो मैं भी ऐसे कहता हूं मेरी लाइव मैं नहीं ले पा रहा मैम, तो मैम रेडी हैं लाइव लेने के लिए। पता नहीं कहां से एनर्जी आ रही है, ये सीखने का जरूर है और मैं सीख के रहूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा उससे पहले कहीं तो ये सिखाना है आपको, सबको ही सिखाना है। ये बहुत कमाल का टाइम मैनेजमेंट है, मतलब मेरे को यकीन नहीं आता कि कोई व्यक्ति इतना टाइम मैनेज कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में एनर्जी ऑफलाइन से ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करना है, सामने बच्चा नहीं है तो बच्चे को 10 सेकंड का भी ब्रेक नहीं दे सकते आप, नहीं तो उसका ध्यान हट जाएगा, वो कहीं दूसरे वीडियो पे स्विच कर जाएगा, आप गैप ही नहीं दे सकते हैं। 5 सेकंड उसको बोर नहीं कर सकते आप, अगर 5 सेकंड बोर किया तो भी गया काम से, तो गैप नहीं देना। एक एक घंटे के लेक्चर होते हैं 11-12 के, तो आपको पता ही है जो एडिटिंग कर रहे हैं, एक एक घंटे के 3-3 लेक्चर धड़ाधड़ रिकॉर्ड कर देते हैं, नोट्स का भी और मतलब सारे ही काम। तो जोरदार तालियां मैम के लिए, कमाल का काम कर रहे हैं मैम। परसों मैंने कहा गाड़ी ले जाओ, बोले नहीं मैं साइकिल पे चल जाऊं। एक कमाल की बात, ये तो मैं भूल ही गया, मैम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास स्कूटी से आ रहे हैं या साइकिल से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैम को। मतलब ऐसा होता है ना कि यार साइकिल से कैसे जाएं अपन काम पर अपने, एक तो टीचर और ऊपर से फिर साइकिल पे, ये एक ऐसा फील होता है कि लो फील होता है कि साइकिल पे जाना ऐसा शायद है, लेकिन मैम के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इतनी कमाल की बात मैंने और किसी स्टाफ में नहीं देखी है अभी तक, जो ये मैम की क्वालिटी है। तो एक और जोरदार था अभी और शायद ऐसा हुआ नहीं, नहीं हुआ कभी, नहीं जरूर सर ने एडिट करने में लेट कर दी थी, उस दिन मेरी क्लास नहीं हुई थी। नहीं, आपके एंड से डिले नहीं हुआ है, वही तो हम समझ नहीं पाते, हमारी क्लास ऑफ होती रहती है, यहाँ पर कोई ऑफ नहीं हो रहा, जबकि हमसे ज़्यादा क्लासेज हैं अभी तो, कभी कभी तो हमसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो कमाल की बात है। इसीलिए सॉरी बोला मैंने सबको कि मैं सबको परेशान नहीं, हक है आपका, इतना आप काम कर रहे हो तो परेशान करने का हक बनता है आपका।